जो गाजीपुर बिहार का बॉर्डर से सटा हुआ होने के कारण वहाँ गुंडे माफिया और माफिया के नाम से वो जाना जाता था, वहाँ भी हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। बदली हुई ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जहाँ पर इतने लोग आकर्षित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे अपराधी और माफिया थानेदारी को निर्देशित करते थे, कप्तान को निर्देशित करते थे और अपराधी को थाने से छुड़ा करके ले जाया करते थे। और यहीं पर आपने लखनऊ की धरती ने देखा, एक पुलिस के सिपाही नहीं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, सर्किल ऑफिसर को बोनट पे बैठा करके सपा का नेता ऐसे घुमाते रहे और बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कहीं वाइपर पकड़ता था, कहीं हैंडल पकड़ता था। वही कहावत है जैसे, ये तो जग जाहिर है कि अखिलेश यादव जी की बचकानी बातें, बचकानी हरकतें, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश और देश ने देखा। उसका मुख्यमंत्री रहा, उसकी इतनी छोटी सोच हो कि घर में जो रिक्शे वाला गरीब से गरीब आदमी भी अगर कोई किराए के मकान में जाता है और अपनी पसंद अपनी हैसियत के हिसाब से टूटी लाता है तो वो नहीं खोलता कि खोलेंगे तो टूट जाएगी, दूसरी जगह उसकी चूड़ी खराब हो जाएगी, तो वो सरकारी आवास की टूटी खोल करके ले जाए। मैं आपको बता दूँ, आईटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इस तरह के क्षेत्रों में बड़ा और सबसे ज़्यादा टूरिज्म में बहुत मोटा निवेश आ रहा है कि पीछे 4,68,000 करोड़ रुपए का जो हमारे MOU हुए थे उसमें से कोविड, 2 साल कोविड में निकल गए, फिर भी 4,00,000 करोड़ से ज्यादा के हम लोगों ने प्रस्ताव धरातल पर जमीन पर उतार दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूँ कुमार अभिषेक और आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं वो हैं नंद गोपाल नंदी। वजह भी साफ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 10, 11 और 12 फरवरी को। अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है। नंद गोपाल नंदी जो कि औद्योगिक विकास के मंत्री हैं, साथ साथ निवेश प्रोत्साहन, NRI और जो एक्सपोर्ट प्रोत्साहन है उसका भी कार्यभार इनके पास है, उसके भी ये मंत्री हैं। तो इस वक्त के सबसे व्यस्ततम मंत्री, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लगभग पूरा जिम्मा इनके पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई चेहरा इसके पीछे दिखाई देता है तो वो है नंद गोपाल नंदी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत यूपी तक पर। और हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव जो कि इंडिया टुडे मैगजीन के वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं, वो भी इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ है। तो सर सबसे पहला सवाल ये कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो ये हो रहा है, बहुत इसकी चर्चा है, पूरे देश विदेश तक में मंत्रियों का समूह गया, अधिकारी गए, आम आदमी को अगर समझना है जो दूर बैठा आपको जब देख रहा है, सुन रहा है, तो वो इन्वेस्टर समिट का क्या मतलब समझे, क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जिनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आप सब विदित हैं, ब्रिटेन जो हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया उसको भी पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। GIS 2023 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी सभी के साथ बैठे और जो देश दुनिया की बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो डिलाइट हो, चाहे KPMG हो, चाहे PwC हो, इनके साथ हम कहां पर हैं, हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, ये केवल नारा नहीं है, इसको अचीव करने के लिए हमने प्लान किया और उसी प्लान का नतीजा रहा कि मंत्री समूह बना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में। हम लोग विश्व के 16 कंट्री में गए
और 16 कंट्री में 21 सिटीज का हम लोगों ने दौरा किया। और जो उत्साह है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जो भारत की जो छवि में निखार आया है, भारत को पूरी दुनिया के लोग आज आकर्षित हैं, मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, निवेश करने के लिए। 2014 से 2022 अभी अगर अभी तक की बात करें तो भारत में भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे पास अगर हम कहें तो 25 करोड़ की आबादी, तो खपत का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास। और 25 करोड़ की आबादी तो हमारी है, 75 जिले हमारे हैं, 18 मंडल हैं। अगर हम बात करें केवल प्रयागराज की बात करें तो वहां पर मध्य प्रदेश के दो जिले, चाहे सतना हो चाहे रीवा हो, वो हमारे एयरपोर्ट से सुविधाएं ले रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, एयरपोर्ट से दूसरी जगह जा रहे हैं। अगर उनको बिल्डिंग मटेरियल चाहिए तो हमारे यहाँ उनको आना पड़ता है, अगर उनको बेटे बेटी की शादी करना है तो आना पड़ता है। मैंने कहने का, अगर उनको कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी तो भी प्रयागराज पे आ सकते। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो नेपाल का जिला, नेपाल जैसे मतलब इंटरनेशनल भी हम जुड़े हुए हैं, 9 राज्यों से जुड़ा होने के कारण, अगर हम सोनभद्र की बात करें, हम आगरा की बात करें, ऐसे 9 राज्यों से 20-25 जिले और जो दूसरे प्रदेशों के वो भी हम पर निर्भर हैं। तो हमारी जो 30-35 करोड़ की जो आबादी है, ये हमारे लिए खपत का सबसे बड़ा मार्केट है। 1153 किलोमीटर नदियों का जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, नदियों का किनारा होने की वजह से वेदर हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में, जाड़ा भी है, गर्मी भी है, बरसात है, इसकी वजह से हमारे पास उपजाऊ जमीन है। और हमें चाहे वो हम ग्रेन मर्चेंट में नंबर वन है, अगर हम पोटैटो की बात करें वहाँ नंबर है, मटर में नंबर वन है, तो इस तरह की जो हमारी वो है, इन सब चीज़ों में ने उत्तर प्रदेश को नंबर वन जो बनाया है। और इसी का कारण है कि जो देश और दुनिया, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे देश के बड़े उद्योग घराने, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए अपना निवेश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पहली बार ऐसा हो रहा है 75 के 75 जिलों में। अभी मैं उन्नाव से आ रहा हूं, उन्नाव जैसे जिले, मैं गाजीपुर बनारस मंडल की मैंने बैठक करी, 1.5 लाख करोड़ रुपए के वहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए। जो गाजीपुर बिहार का बॉर्डर से सटा हुआ होने के कारण, वहां गुंडे माफिया और माफिया के नाम से वो जाना जाता था, वहां भी 1000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। मैं आपसे को यहीं अब आएंगे आपसे एक एक सवाल पे, लेकिन कि भाई कैसे आप जिले जिले इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं, जिले जिले आपके इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं कि 1000 करोड़ में आ रहा है, लेकिन पहले हम शुरू कर लेते हैं 2018 का आपका इन्वेस्टमेंट, पहला आप लोगों ने जो किया था, क्या आप ये बता सकते हैं, जैसे 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात है कि आप लोगों ने उतना करा लिया, 4.5 लाख करोड़ के आसपास का आपका एमओयू हुआ था, कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इन 6 सालों में आप लोग लेकर के आए हैं? 2-4 नाम ऐसे जरूर हमारे दर्शकों को बताइए जो 2018 के बाद से एस्टैब्लिश हुए हैं, जो जो आपके ग्रोथ इंजन में हेल्प कर रहे हैं। देखिए, अगर हम डिटेल और वो चाहिए तो हम डिटेल निकाल करके ले आएंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूं। हीरा नंदानी ग्रुप, उसने ड्रोन पर, क्या सोच सकता है आदमी कि ड्रोन पर उन्होंने जमीन देखा, ऑनलाइन उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, और अभी 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण करके उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर देश की सेवा में समर्पित किया। हिंदुस्तान लीवर का हमीरपुर में भी इतना बड़ा ऑटोमेशन वाला प्लांट लगेगा, हमीरपुर में वो प्लांट लगा, ऐसी लंबी लिस्ट है हमारे पास। अभी जो 3 जून 2022 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इस बात को दर्शाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। हल्दीराम, ओकाया बैटरी, टीएस ग्रुप, ये सारे ग्रुप जिन लोगों ने अपने यहां निवेश किया है और अभी फिर से निवेश कर रहे हैं, 1410 करोड़ का कोई कर रहा है, कोई 1500 करोड़ का कर रहा है, कोई 2000 करोड़ का कर रहा है, तो जो इतनी सारी चीजें बदली हुई है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जहां पर इतने लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये करके हमने दिखाया है, तब जाकर के ये हो रहा है।
तो आपको लगता है कि इस बार जो टारगेट सुनने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है, वो 22 लाख करोड़ का है कि एमओयू करेंगे और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप लोग लेकर के आएंगे, तो लेकर के आ रहे हैं क्या सचमुच? निश्चित रूप से आप देखिए, पिछली बार 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमें प्राप्त हुए और 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के हमने धरातल पर उतार दिए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि निवेशक का भरोसा हमने जीता है। अब निवेशक को चक्कर नहीं काटना है, निवेशक को इधर उधर नहीं जाना है, हमारे अधिकारीगण खुद निवेशक के साथ लग करके मिल करके उनकी कोई भी समस्या, अगर उन्होंने कोई क्वेरी की है, हमारे यहाँ निवेश पोर्टल, निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उन्होंने कोई अगर क्वेरी की है तो हमारे अधिकारी, हमारे लोग खुद उनको आगे बढ़ करके उनकी मदद करने को तैयार हैं और उनकी इंडस्ट्री जब तक लग ना जाए उनकी जो भी समस्या उसका समाधान करने के लिए बैठे। मोदी जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये कि जो भी पिछला इन्वेस्टर समिट हुआ था, जब भी जिक्र आता है इन्वेस्टर समिट का, सब ये पूछते हैं पिछले 5 साल में, पिछले 4.5 साल में जॉब जनरेशन कितना हुआ। कि जो सरकारी डेटा हमको दिया गया है उसके हिसाब से 7,96,000 लगभग नौकरियां अभी तक दी हैं। क्या कोई नया डेटा आप हमें देना चाहें या बताना चाहें कि कितना इन्वेस्ट हुआ? क्योंकि जब इनका ब्रेकअप मांगा जाता है किस सेक्टर में मिली, कहाँ मिली, किस कंपनी में मिली, तो नहीं दिया जाता। इवन मेरे सामने बुकलेट भी है जिसमें सारे कंपनीज का डेटा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे जॉब। लेकिन देखिए, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीट किसी में 2022 दिया है, किसी में 2026 दिया, किसी में 2024 दिया है, तो कुछ क्लैरिटी कई बार नहीं हो पाती। तो आज आप क्लियर कर दें स्टूडियो में थोड़ा। देखिए, क्लियरिटी, चूंकि जब भी कोई भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगती है तो उस समय जॉब क्रिएशन, चाहे उसको बाउंड्री बनाने से लेकर न्यू खोदने से लेकर के तमाम जगह लगती है। जब उसका उत्पादन शुरू हो जाता है तब रियल डेटा आता है, वहां पर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो जो आप डेटा लिखने की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई फर्स्ट फेज पे है और अभी वो उसका 2022 मार्च में या कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा तब उसका डेटा आएगा, जो अभी बुक पे एक्सपेक्टेड छपने की बात है, डेटा। तो एक्सपेक्टेड डेटा है। लेकिन जहां फैक्ट्री चालू हो गई, जहां लोग अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिए, वहां का कोई डेटा अगर स्पेसिफिक मांगेंगे तो हम लेकर के आपको दे देंगे। लेकिन अभी अगर कहेंगे तो मैं लिस्ट मंगा करके दे दूंगा कहां कहां फैक्ट्री चालू है, कहां कहां लोग इसलिए मैंने पूछा काम कर कि रहे हैं। विपक्ष अक्सर खासतौर से देखिए, कहते हैं विपक्ष कि विपक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए, नौकरियां कहां हम आपको है। बताते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी और माफिया, थानेदारी को निर्देशित करते थे, कप्तान को निर्देशित करते थे और अपराधी को थाने से छुड़ा करके ले जाया करते थे। दो आदमी का झगड़ा होता है तो आदमी पुलिस के पास जाता है, और यहीं पर आपने लखनऊ की धरती ने देखा, एक पुलिस के सिपाही नहीं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर नहीं, सर्किल ऑफिसर को बोनट पे बैठा करके सपा का नेता ऐसे घुमाते रहे, और बेचारा अपनी जान बचाने के लिए कहीं वाइपर पकड़ता था, कहीं हैंडल पकड़ता था। जो कानून व्यवस्था का हाल था, इस वजह से लोग इन्वेस्टर आते नहीं थे, और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इंडस्ट्री आए। इनका और सोच केवल सफाई तक सीमित रही और अपने परिवार के विकास तक सीमित रही। कभी नहीं सोचा इन्होंने कि इंडस्ट्री आए, कभी नहीं सोचा कि हॉस्पिटल्स आए, कभी नहीं सोचा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। 7 से 12 की बात कर ले, 12 से 17 की बात कर ले, केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ और बनारस। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 5 हमने बना करके भारत सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया, वो जल्दी से उसका संचालन शुरू करेंगे। तो 9 हमारे चालू हो गए, 10 में 5 हमने दे दिया भारत सरकार को, वो कभी भी चालू हो सकता है, और 5 अभी और बन रहे हैं। तो आप सोचिए, 9 और 10, 19, दो पर हम जमीन खरीद रहे हैं, 21 एयरपोर्ट के साथ, 16 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को, 21 एयरपोर्ट वाला और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला। तो मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा ना कि कि कैसे सड़कें अच्छी हो, कैसे इंडस्ट्री आए, कैसे व्यापार बढ़े। यही पे उनका ये भी ये दावा होता है कि आप सड़कें देख लीजिए जो उन्होंने बनाए, एक्सप्रेसवे वो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, वैसा आप नहीं मैच कर पाए। बेशक आपने ज्यादा एक्सप्रेसवे देने की या ज्यादा रोड सड़क बनाने की कोशिश की हो। आप जिस मोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, सैमसंग कहते हैं कि उनका लाया हुआ है, आपके समय में थोड़ा एक्सपेंशन हो सकता है। लुलू हो, मेदांता हो, ये सब तमाम उनके समय के प्रोजेक्ट्स हैं जिसे आप गिनवा रहे हैं। देखिए, ये तो वही कहावत है, जैसे ये तो जग जाहिर है
कि अखिलेश यादव जी की बचकानी बातें, बचकानी हरकतें, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है। जब कोई आदमी, कोई इंसान मेहनत से अपनी बनाई हुई जमीन पर, अपने बनाए हुए छत पर आता है, तो उसको उस बात का अंदाजा रहता है। मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला, उन्होंने अपने बेटे को इस इतने बड़े प्रदेश का सीएम बना दिया और वो टैबलेट और मोबाइल पर गेम खेलते हुए पूरा बिता दिए। कोई आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उसकी इतनी छोटी सोच हो कि घर में जो रिक्शे वाला गरीब से गरीब आदमी भी अगर कोई किराए के मकान में जाता है और अपनी पसंद, अपनी हैसियत के हिसाब से टोटी लाता है, तो वो नहीं खोलता कि खोलेंगे तो टूट जाएगी, दूसरी जगह उसकी चूड़ी खराब हो जाएगी, तो वो सरकारी आवास की टोटी खोल करके ले जाए। अखिलेश यादव टोटी दिखाओ तो अखिलेश यादव का पर्यायवाची बन गए अखिलेश जी। तो अखिलेश जी ने जब पूरा विश्व कोविड से कराह रहा था, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद की, उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया कि नहीं ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाई। मुलायम सिंह जी ने लगवाई, फिर उनको जैसे वो कहते हैं ना पलटी मारना, उलाटी मारना, उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा कि नहीं वैक्सीन लगानी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि विकास धरती पर नहीं है, विकास जमीन पर नहीं है, वो आए तो उनके समय पर नहीं था। आज जो चीजें हो गई बताएं, मैं लाया मैंने किया, ये कोई बात थोड़ी है। टोटी वाला और थोड़ा बिलो द बेल्ट नहीं हो गया कई बार, मतलब बीजेपी अक्सर अटैक करती है इस पे, सपा वाले काउंटर अटैक करते हैं, और अभी सोशल मीडिया पिछले दिनों बातें कहां से कहां तक पहुंच गई सपा और बीजेपी के बीच में, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा मतलब जो है भाषा का संयम दोनों पार्टी की ओर से भी काफी उनको खराब लग गया इस बात को लेकर बीजेपी ने इस तरह से अटैक किया? इस नहीं अटैक किया, उसका कारण क्या है? अगर कोई नहीं किया होता तो कैसे होता ये? तो अटैक नहीं है ये, मतलब जो एक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, प्रदेश की छवि, प्रदेश के हित में हमें क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए, ये ना सोच करके कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी बातें लिख देते हैं, तो अच्छी बात। चलिए अब हम वापस लौटते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे। ये कौन कौन सी बड़ी कंपनियां आप उम्मीद कर रहे हैं देश दुनिया की जो आने वाली है उत्तर प्रदेश? कोई बड़े नाम, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कोई बड़ा नाम, ऐसा कुछ है जो कि इस बार इस 22 लाख करोड़ का जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है या जो एमओयू है उसमें होने जा रहा है? भैया जी, मैं अभी सीधा उन नाम से चला रहा हूं, बताया अगर नाम और लिस्ट मांगेंगे तो लिस्ट मैं दे दूंगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग 16 कंट्री और 21 सिटी में दौरा किए, सभी जगह इस तरह का उत्साह रहा उत्तर प्रदेश को लेकर के, जो लोगों का नजरिया बदला है एक बीमारू प्रदेश के रूप में। मैं कहता हूँ ना, रीजनल पार्टी चाहे सपा रही हो चाहे बसपा, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि विकास हो, कभी नहीं सोचा इंडस्ट्री सड़कें। नहीं, हमारा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप इसके मंत्री हैं, पूरा औद्योगिक जो निवेश है, एनआरआई है, निवेश प्रोत्साहन है, सब आप देख रहे हैं। आपके कह लीजिए कि आपके नेतृत्व में टीमें गई हैं, आप भी विदेश गए, तो उम्मीद तो जनता ये कर रही है कि भाई उसे भी ये मालूम हो कि विदेश की कौन सी कंपनी है या देश की कौन सी बड़ी कंपनी, किस सेक्टर में आप बहुत ज्यादा निवेश लेकर के आ रहे हैं, इतना तो जानने का तो बेसिक तौर पे लोगों को। हाँ बिल्कुल, बेसिक तौर पे जानने का अधिकार है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं, चाहे आईटी सेक्टर ले लें, चाहे मेडिकल का ले लें, चाहे डिफेंस सेक्टर ले लें, हर क्षेत्र में विदेश से भी और देश में भी सभी जगह हम लोगों को बड़ा उत्साहजनक रिजल्ट मिला है। अभी हम लोग जब विदेश का दौरा करके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारी टीम, सारी बातें सभी लोगों ने रखी और सबके जो एमओयू प्राप्त हुए उस पर चर्चा हुई, तो फिर ये हुआ कि देश में भी हम लोग एक रोड शो का प्लान करते, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हम लोगों ने प्रारंभ किया। जब हम लोगों ने मुंबई में प्लान किया तो मुंबई में चाहे हीरानंदानी हों, चाहे हिंदुजा जी हों, चाहे टाटा हों, बिरला हों, ये सभी जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं सभी लोग आए और सबने उत्साहपूर्वक, हिंदुजा जी ने, सब लोगों ने ईवी, जो ईवी पॉलिसी है हमने जो पॉलिसी बनाई, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने जो पॉलिसी बनाई, पूरे देश की जो जो और अन्य राज्य हैं, हमने अपने सभी अधिकारियों से कहा कि जो देश के अन्य राज्य हैं उनकी पॉलिसी का गहन अध्ययन करने के बाद हमें सबसे आकर्षक पॉलिसी बनानी, हम आकर्षक पॉलिसी बनाएं और जो चाहे देश में हो चाहे विदेश में भी जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज है उनको हम लेकर के इनकॉर्पोरेट करें अपने यहाँ, क्या क्या बॉटल नेक है उसको हम खत्म करें। और उसका नतीजा है कि हमने एक अम्ब्रेला पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसी पॉलिसी के अंदर
24 सेक्टोरियल पॉलिसी, कुल जो 25 पॉलिसी बनी और इस पॉलिसी को पूरे देश ने सराहा, बल्कि विदेश में भी सराहा गया, क्योंकि जो हमारी चाहे ईवी की पॉलिसी हो, चाहे हमारी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां आ रही हैं निवेश करने। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां आ रही हैं, निवेश करने आ रही हैं। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में मतलब कंज्यूमर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक, और मैन्युफैक्चरिंग के जो एंसिलरी चाहे बैटरी तक बना रहे हैं, उन सब लोगों को भी। अच्छा, इससे एक और जुड़ा सवाल है कि सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में आता हुआ दिख रहा है? कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में या इस एमओयू में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है? देखिए, ऐसे तो मैं आपको बता दूं, आईटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इस तरह के क्षेत्रों में बड़ा, और सबसे ज्यादा टूरिज्म में बहुत मोटा निवेश आ रहा है। लेकिन अगर हम डिटेल की बात करेंगे तो डिटेल तो हमको लेकर के ही देना पड़ेगा, लेकिन हर क्षेत्र में, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, प्रत्येक जिलों में हर तरह के लोग, किसी की यूनिट 25 टन की है तो वो सोच रहा है मैं 50 टन की कर लूं, किसी की 50 की है तो मैं 100 की कर लूं, किसी की मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे जा रहा है। तो ये जो एक माहौल तैयार हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में और की इन्वेस्टमेंट का, वही है जो उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है, और मैं कह सकता हूं कि भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन राज्य बना है। एक छोटा सा सवाल और है मेरा कि इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ एमओयू की, और पहले शायद 10 लाख का टारगेट, 10 लाख करोड़ का था, 17 लाख करोड़ का हुआ, 22 लाख करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एमओयू कितने जमीन में उतरते हैं, जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि एमओयू तो बहुत लोग साइन कर लेते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट कैसे होंगे, इसका आप कैसे भरोसा आप एक आम जनता को दिलाएंगे या निवेशक को दिलाएंगे? देखिए, मैंने अभी भी कहा और फिर कह रहा हूं कि पीछे 4,68,000 करोड़ रुपए का जो हमारे एमओयू हुए थे, उसमें से कोविड, 2 साल कोविड में निकल गए, फिर भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा के हम लोगों ने प्रस्ताव धरातल पर जमीन पर उतार दिए। तो जो भी एमओयू हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसका पोर्टल बनाया कि उसको ट्रैक भी करेंगे और उनको कहीं कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान करेंगे, ताकि उनको जगह जगह दौड़ना ना पड़े, ये हमने व्यवस्था बनाई। बीच में एक विवाद भी हुआ था ऑस्टिन यूनिवर्सिटी वाला, इसको लेकर सरकार ने अपना एक वक्तव्य जारी किया था कि वो कंसल्टेंसी ग्रुप से हुआ है हमारा किसी, तो इस तरह का कहीं ना कहीं आपको लगता है इस तरह की अगर खबरें आती हैं तो बीच बीच में सवाल घेरे में चीजें आ जाती हैं? देखिए, कोई भी इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो उसका उसकी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि कुछ हम लुटा के चले आ रहे हैं या हम कुछ लूट ले रहे हैं। ये तो एक प्रक्रिया के तहत एमओयू हुए, एमओयू में उन्होंने जो जो चीजें हमें मांगी, हमने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसी रखी, पॉलिसी के तहत जो जो काम होने हैं वो आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन जब वो आई ऑस्टिन वाली ही बात कर लें तो पता चला कि कंपनी का तो उस लायक ही नहीं है, मतलब वो ब्लैकलिस्टेड है, तो एमओयू के ऐसे लोगों से भी हो जा रहा है प्रक्रिया के तहत अगर आप लेकर के भी आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इससे इमेज पे डेंट लग रहा है अगर ऐसी चीजें होती हैं तो? आप ऐसे बताइए कि अगर हम कहीं गए और इन्वेस्टर समिट है, कोई इस तरह की बातें सामने आई तो तुरंत उस पर कार्रवाई होनी है, तुरंत उसको देख करके, कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो आज हो गया और कल उस पर कुछ ऐसा हम लोगों ने निर्णय ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इस बार यह है कि जिले जिले इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं कि हर जिले में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो जिलों जिलों में आ जाएगा, शामली, गाजीपुर, बहराइच, उन्नाव, मतलब हर जिले में कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर समिट तो हम देख रहे हैं कि भाई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, जिलों का जो आप हर जिले का इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं वो क्या है, और एक कॉमन आदमी जो जिलों में बैठा है, एक उद्योगपति है या वहां इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इसका क्या मायने निकाले, कैसे वो समझे कि जिले का इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? नहीं, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, दो, आप एक आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, इसके अलावा एक हो रहा है कि हर जिले में भी इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, आप ही की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि, और हर जिले में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एक तो राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार अपना जीआईसी कर रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है और जीआईएस कर रही है, और उसके साथ साथ आप जिलों के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या दोनों एक ही है या दोनों में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं? देखिए, जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
जहाँ पर हो रही है लखनऊ में, उसमें जो हम लोग विदेश मंत्री समूह गया वो, फिर जो रोड शो हुए चाहे दिल्ली में चाहे मुंबई में चाहे और देश के और प्रदेश, अहमदाबाद हैदराबाद सभी जगह जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई, तो एक तो वो प्रस्ताव आ गए। फिर अगर उनको किसको कहां पर क्या रॉ मटेरियल मिलता है, किस तरह की सुविधाएं मिलती है, कौन कहां पर लगाना चाहता, जैसे हमने बुंदेलखंड पर कहा कि कोई हमारी मेगा यूनिट आएगी 3000 करोड़ प्लस अगर वो इन्वेस्ट करती है तो हमको उसको 300 गुना मतलब 3 टाइम उसको 3000 का 9000 तक हम उसको वापस कर सकते हैं। तो पिछली जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी में कमी थी कि भाई किसी किसी का जीएसटी नहीं हो रहा था तो जीएसटी से लिंक होने के कारण, तो हमने इस बार कैपिटल सब्सिडी भी प्रोवाइड की। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आया आंकड़ा, इसके बाद जो ऑलरेडी चाहे कानपुर हो चाहे उन्नाव हो चाहे गोरखपुर हो चाहे आगरा हो, जहां जहां पर लोग अपना काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि एक कोई आदमी फैक्ट्री लगाया था, उसने सोचा कि हम और प्रोडक्शन बढ़ा लें, उसने सोचा कि नहीं हम एक और इंडस्ट्री लगा लें, बैंक से लेकर के जिले के अधिकारीगण और इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो हम अपना लगा लें, तो वो सारा जोड़ करके ये पूरा पूरा इकट्ठा करके क्लब करके ये 23 लाख करोड़ 22 लाख करोड़ जो हो रहा है उसमें सब वो सब जुड़ेगा, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्लस जो जिलों का जो ग्लोबल का मत भाई, अगर एक ये है एक माने टारगेट है, उस टारगेट में जगह 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 से आए तो जो जगह से आए वो कहीं ना कहीं तो लगे, मान लो नोएडा में लगता है तो नोएडा में 10 और लगना था, एक ये 11 हो गया, अगर कोई 5 था एक और लगा तो 6 हो गया। चलिए कुछ हम आपसे बड़े नाम लेते हैं जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, बिड़लाज, महिंद्रा, ऐसे लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं मुख्यमंत्री जी की, आप लोगों की मुलाकातें हुई, तो ये स्टेट क्या उम्मीद कर रहा है कि बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं किस तरह का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं लेके आ रहे हैं? देखिए सोलर पावर में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, ईवी में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, और सभी लोगों ने सब लोगों से, जैसे मान लीजिए अगर हम महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा ने भी अपने जो उनका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए अपना एक्सटेंशन करने के लिए, और हिंदुजा जी ने चाहे बैंक का सेक्टर हो उनका चाहे ईवी का सेक्टर हो उसमें काम करने के लिए वो लोग, उन्होंने पूरे अपने सभी सीईओज को भेजा था, सारे अधिकारियों को भेजा था, हमारे एसीएस भी जाकर के वहाँ मिल करके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने कमेंट किया, तो कमेंट करके सब लोग आए हैं, अभी सब घोषणा करेंगे। ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री के से जुड़े लोगों के साथ भी जो एक बड़ी बैठक हुई, मुलाकात हुई, आपको लगता है कि ये जो बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश में खींचने की एक कोशिश है अपने एक फिल्म इंडस्ट्री या कह लें कि उसे लेकर के, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोग फिल्म के लोग भी आकर्षित हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के देखिए बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट, उनके मन में भी था कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पर फिल्म सिटी होनी चाहिए, और मुंबई में किस तरह से पीछे तमाम चीज़ें मीडिया में चली और मीडिया में बातें आई थी, तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट को बना करके फ्लोट किया टेंडर, तो टेंडर में उस समय नहीं आए थे, तो फिर और सरल करके और उस पर राय लेकर के हम लोगों ने टेंडरिंग की है, विदेश से भी विदेश के लोगों ने भी उस पर इंटरेस्ट जताया था और देश के भी बहुत सारे। अभी किस लेवल पर है आपकी फिल्म सिटी, कहाँ है, कहाँ तक पहुँची? अब फिल्म सिटी हम लोगों का टेंडर फ्लूट हो गया है, टेंडर पर है अभी टेंडर। तो क्या माना जाए, तो अभी तो एक साल सरकार के आपके पूरे हो रहे हैं, अगले 4 सालों में फिल्म सिटी अभी ले पाएगा, यहाँ फिल्म शुरू हो जाएंगे? भाई देखिए ये तो जब कोई बिडर आएगा, बिडर आ करके उसमें बिड करेगा, जैसे बिडर से हम लोगों ने जितने इस क्षेत्र के जो स्टेक होल्डर हैं उन लोगों से मीटिंग करके कि क्या इसमें आपको कमी लग रही है, क्या करें जिससे आप इसमें आ सकते हैं, उस तरह से लोगों से बात करके एक फ्रेंडली वो बनाया गया कि इसमें स्टेट का भी भला हो, स्टेट के लोगों का भी भला हो, और किसी तरह से लोग बिड करके आए और अपनी फिल्म सिटी बनाए। चलिए अब हम आखिरी सवाल पर हैं, आप खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो नंदगोपाल नंदी जी खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में या नहीं, क्योंकि आप खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई हुई है, तो दुनिया भर से तो आप इन्वेस्टर बुला रहे हैं, इंडस्ट्रीज बुला रहे हैं,
आप खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक तो जब मंत्री पद की शपथ लेते हैं ना, तो एक आचार संहिता होती है, एक आचरण संहिता होती है। आचरण संहिता में स्वामित्व छोड़कर के बाकी सब कुछ त्याग दिया जाता है। तो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चों के मन में भी इतना अच्छा माहौल, इतना सब कुछ होते हुए, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रयागराज में भी और दूसरी जगहों पर कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल अहम है, वो ये है कि अडानी समूह जिस तरीके से चर्चा में आया है, जिस तरीके से उसके शेयर के भाव गिरे हैं, जिस तरीके से अडानी पर अब सवाल उठने लगे हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसका टेंडर कैंसिल किया है, आपको लगता है कि ये बड़ा झटका है अडानी का इस तरीके से अडानी समूह के साथ जब हुआ, तो उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट आना था, वो एक झटका आपको लगता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है और आप सब लोग भी ऐसा महसूस करते हैं, कितनी बार शेयर मार्केट अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, किसी एक इंडस्ट्री वाले के किसी एक प्रोजेक्ट में घाटा लग जाए, मुनाफा लग जाए, वो नीचे हो जाए, वो ऊपर हो जाए, इससे देश और प्रदेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश अपनी नीतियों पर, प्रदेश अपनी पॉलिसीज पर चलता रहता है और ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई विवाद का विषय है या हमारे इन्वेस्टर समिट पर इसका कोई असर पड़ने जा रहा है। इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी पॉलिसी के दायरे में आ करके करता है, पॉलिसी के दायरे में रह करके करता है, तो जो इंसेंटिव हमने कमेंट किए हैं वो हम दें। चलिए सर, आखिरी सवाल के तौर पर, आप इस इन्वेस्टर समिट को क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके की उम्मीदें हैं? 22-23 लाख करोड़ के अलावा भी आप उम्मीद कर रहे हैं, कोई बड़े इन्वेस्टर्स की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि ये जो इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10, 11, 12 में होने जा रही है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए ये मील का पत्थर साबित होने जा रही है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन की तरफ आगे बढ़ा है और नंबर वन 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इन पीछे एक सालों में जो हम लोगों ने काम किए हैं, इसको जनमानस ने पसंद किया है और आज आप देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धूम है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से धूम है, जिस तरह से लोग उत्साही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है, मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस को और आने वाले सभी अतिथियों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, सभी अपने इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता हूं कि आपका हित और आपकी पूंजी, आपका निवेश और आपका हित पूर्णतः सुरक्षित, संरक्षित और सुरक्षित है। आप निवेश करिए, अपना व्यापार करिए, आगे बढ़िए। आपको आगे बढ़ने में जहां भी सरकार की मदद की जरूरत है, सरकार कहीं पीछे नहीं हटेगी। मैं खुद इंडस्ट्रीज रहा हूं, कदम कदम पर किस तरह की परेशानियां, किस तरह की समस्याएं आती है, ये सब हमने महसूस किया है। हमने विभाग का चार्ज लेते के तुरंत बाद अपने अधिकारियों से कहा है कि हमारे अधिकारियों को इस तरह की ट्रेनिंग भी करनी है और स्पष्ट निर्देश है कि जो हम 12 अंकों की छलांग लगाते हुए ईज ऑफ डूइंग पे 14 से दूसरे स्थान पे पहुंचे, जब 3 जून को वो हुआ था तो दूसरे स्थान पे पहुंचे, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, चाहे उसको बिजली के लिए, चाहे उसको जमीन लेनी हो, चाहे उनको किसी तरह की एनओसी लेनी है, उनको दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, हम उनको आगे बढ़कर के सहयोग करें। अभी देखा, अभी कैबिनेट से 105 लोगों को भर्ती करने का जो कैबिनेट ने पास किया, IIM बड़े जो अच्छे मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, MBA किए हुए बच्चे, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए लगा रहे हैं ताकि वो उनको सुविधाएं प्रदान करके इंडस्ट्री को जमीन पर उतारने का काम। बहुत शुक्रिया गोपाल नंदी जी। तो हमारे साथ थे इस उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इन्होंने तमाम अपनी बातें और अपना पक्ष रखा और ये दावा किया है कि इस बार का इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट होगा। 22 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल आए हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बड़े नाम पहुंचने वाले हैं, साथ साथ जिले जिले ये इन्वेस्टमेंट
होने वाला है। और इन्होंने कहा कि इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो इन्वेस्टर हैं उन्हें हर तरह की सुरक्षा और उनके पूंजी की सुरक्षा के साथ साथ सबकी गारंटी है। तो हमारी नजर इस पर बनी रहेगी कि किस तरीके का ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और आखिर इसमें कितना कुछ फायदा उत्तर प्रदेश का होने वाला है। तो बहुत शुक्रिया नंदी साहब आपका, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर अपनी राय रखी। प्रशांत आपका भी बहुत धन्यवाद। फिर हम अगली बार किसी और नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।